बेटा आज हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेक्स्ट स्टेप करना है आपका। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। कंसंट्रेशन का मतलब है उसमें से पानी हमने कम करना है, तो पानी कैसे कम होगा ये देखना, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स है बेटा लूप ऑफ हेनले, वासर एक्टर एंड कलेक्टिंग डक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट, बिकॉज इस लिंब में अल्ट्रा फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है एंड इस लिंब में अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज मैं सीसी लिख रही हूं, काउंटर करंट एज अल्ट्रा फिल्ट्रेट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस इन टू लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड flow of blood in vasa recta is also in opposite directions. अब ये देखिए, this is loop of Henle, descending loop of Henle. ये जो है, this is ascending loop of Henle. इसके पैरेलल क्या जा रहा है, वासा रेक्टा, this is वासा रेक्टा। और आप क्या देख रहे हो, वासा रेक्टा में जो ब्लड है वो अल्ट्राफिल्ट्रेट यहां से यहां जा रहा है, वासा रेक्टा में ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो फ्लूइड है, ये जो खाली जगह है इन दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज मेडुलरी इंटरस्टीशियम। ये सारा यहां पे जो इनके बाहर जो है, दैट इज इंटरस्टीशियल फ्लूइड और मेडुला में है, तो मेडुलरी इंटरस्टीशियम एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ये याद रखना है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स अप टू मेडुला। ठीक है जी, अब यहां पे देखिए कि यहां पे इंटरस्टीशियल फ्लूइड मतलब पीसीटी वाला जो रीजन है, इंटरस्टीशियल फ्लूइड, अल्ट्राफिल्ट्रेट एंड ब्लड, इन तीनों की कॉम्पोजिशन कितनी है या ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है, सिर्फ ये याद रखना। ठीक, उसके बाद अब हम क्या होता है, कैसे पानी कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेट में से रीअब्सॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, कैसे जाएगा ये हमने देखना है। यहां से देखो, ये जो है, ये है आपका
असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले, यहां से क्या हो रहा है, इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट इम्परमिएबल टू वॉटर। ध्यान से समझना है और फिर मैं आपको जो है लिखवा भी दूंगी। इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयन्स क्लोराइड आयन्स सोडियम क्लोराइड बट इम्परमिएबल टू वॉटर। तो यहां से ये सोडियम क्लोराइड बहुत सारा इंटरस्टीशियल फ्लूइड में आ गया, जिससे कुछ सोडियम आयन्स सोडियम क्लोराइड ये कहां पे चला गया, ब्लड में चला गया। अब जब ये ब्लड में चला गया तो ब्लड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है। ब्लड की कंसंट्रेशन मीन्स उसमें सॉल्ट्स बढ़ गए, ठीक है। अब यहां से राइट इधर से ये जो है यहां से कुछ सम अमाउंट ऑफ सोडियम आयन्स सम अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इट कम्स आउट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टीशियम, ताकि मेडुलर इंटरस्टीशियम में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। एंड ड्यू टू विच, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा आ गया है, ठीक है, जिसके कारण यहां से पानी यहां पर एब्जॉर्ब हो। दोबारा से मेरी बात सुनो, यहां से बहुत सारे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है उसमें पानी कम है और सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। या तो वो क्या करेगा, पानी ले लेगा या अपने सॉल्ट्स लूज करेगा। ये इसकी मेम्ब्रेन इम्परमिएबल टू वाटर है, इसलिए बाहर से पानी अंदर नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर सोल्यूट्स का इतना लोड है, इतना कुछ है, वो कहते मेरे सोल्यूट्स मुझे पानी नहीं दे सकते, मेरे सोल्यूट्स दे दो। तो बहुत सारे सोल्यूट्स बाहर आ गए, कुछ सोल्यूट्स ब्लड में चलेगी। ये जब ब्लड यहाँ पे आया तो इसमें भी सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से कुछ सोल्यूट्स फिर मेडुला में आ गए। अब मेडुला कहते हैं इतने सोल्यूट्स मैं कहाँ से संभालू, है ना, या तो मुझे पानी दो या मेरे सोल्यूट्स लो। तो लूप ऑफ हेनले कहता है कि मैं कुछ पानी दे देता हूँ, मैं सोल्यूट्स ले तो नहीं सकता बट मैं आपको पानी दे दूंगा। तो इसने बहुत सारा पानी बाहर भेजा, उसमें से कुछ पानी जो है वो ब्लड में चला गया और ब्लड उस पानी को लेके नेफ्रॉन से बाहर चला गया। यही ब्लड की स्कीम थी, ठीक है। पहले क्या किया, ब्लड ने बहुत सारे वेस्ट्स को अपने में से बाहर निकालने के लिए, आप इन जनरल सोचो कि ब्लड कहता है कि बाहर जाओ, वेस्ट कहते हैं हमने जाना नहीं, ठीक है। वो कहते हैं नहीं नहीं यूजफुल सब्सटेंसेस भी मैं भेज रहा हूँ, ये सब खाली करो, है ना, अब ये जगह खाली करो, ये लो पानी भी लो, ये लो तुम तो अमीनो एसिड्स भी लो, ये लो ग्लूकोज भी लो, सब जा। पीसीटी में मैक्सिमम चीजें, ब्लड ने कहा नहीं नहीं ये तो मेरे लिए यूजफुल है, ये तो बॉडी को चाहिए। उसने ना धीरे धीरे करके वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर दी, ठीक है। अब पीसीटी से जब लूप ऑफ हेनले में आया तो क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट्स है और उसके साथ क्या है, थोड़ा बहुत पानी है, है ना, बहुत सारा पानी तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया बट अभी भी पानी तो है ही, या कुछ आयन्स है, ठीक। अब ब्लड को पता है कि ये सारा पानी भी मैं एक्सक्रीट नहीं कर सकता, मेरी बॉडी में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, अब मैं क्या करूं, अब मैं पानी इससे कैसे लूं, ऐसे तो मुझे अल्ट्रा फिल्ट्रेट पानी देगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट जा रहा है उसके पास बहुत सारे सोल्यूट्स है। ब्लड कहता है दे दे थोड़ा सा, मैं तुझे पानी तो नहीं दे सकता, सोल्यूट्स दे दे। तो इसने जो सोल्यूट्स पास किए बाहर, वो सोल्यूट्स थोड़े से ब्लड ने रखे और थोड़े से इंटरस्टीशियल फ्लूइड में डाल दिए। इंटरस्टीशियल फ्लूइड में अब सोल्यूट्स बहुत हो गए, तो अल्टीमेटली इस लिम्ब को, डिसेंडिंग लिम्ब को, इंटरस्टीशियल फ्लूइड को बहुत सारा पानी देना पड़ा और उसमें से बहुत सारा पानी ब्लड में चला गया और ब्लड क्विकली इस पानी को लेके नेफ्रॉन से बाहर चला।
जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होगा उतने ये इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का एक्सचेंज होता रहेगा और उतना पानी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ड्यू टू विच जब यूरिन यहां पहुंचा तो इट इज 4 times, अभी भी इसमें मैक्सिमम वाटर ही है बट फिर भी इतना वाटर तो हमारी बॉडी कह ही सकती है वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, कलेक्टिंग डक्ट में से भी थोड़ा पानी रीअब्सॉर्ब होता है और थोड़ा यूरिया बाहर जाता है। अल्टीमेटली इसके बाद द यूरिन इज फॉर्म्ड विच इज 4 times मोर कंसंट्रेटेड देन ब्लड। ब्लड की कंसंट्रेशन होती है, ये ऊपर करके लिख लेना या बॉक्स में करके लिख लेना, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज 300 milliosmol। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज 1200 milliosmol। राइट, सो ये लिख लो और ये लिख लो और ये बना लो। काउंटर करंट मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, बनाओ ये फटाफट से। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। राइट, तो यहां पे लिख लो, mammals have the ability to produce concentrated urine, concentrated urine due to presence of Henle's loop and vasa rectum. Henle's loop and vasa rectum. Longer the loop of Henle, more the reabsorption of water from ultrafiltrate, and thus more is the concentrated urine. Next point आ जाइए, the counter current flow of ultrafiltrate in Henle's loop comma counter current flow of blood in vasa recta and proximity of Henle's loop and vasa recta, proximity between Henle's loop and vasa recta help in creating high osmolarity in the inner medullary interstitium that is
इन कॉर्टिकल इंटरस्टीशियम, इंटरस्टीशियम मैं दोबारा से बता रही हूँ, स्पेस बिटवीन, स्पेस आउटसाइड नेफ्रॉन एंड आउटसाइड वासा रहता है, द कॉर्टिकल इंटरस्टीशियम हैज ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, वेयर एज इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम हैज ऑस्मोलैरिटी, हैज ऑस्मोलैरिटी अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मैम इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम की बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी, द ऑस्मोलैरिटी इन इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम इज, मैम इसके पहले कौन सी बताई थी? कॉर्टेक्स बेटा, ऊपर वाला कॉर्टेक्स जो था वो मैंने कॉर्टेक्स लिखा ना, रीनल कॉर्टेक्स में। ओके मैम, और इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। नेक्स्ट पॉइंट, द हाई ऑस्मोलैरिटी इज ड्यू टू, द हाई ऑस्मोलैरिटी इज ड्यू टू NaCl। ये देखिए यहां पे NaCl बाहर आ रहा है और इधर से यूरिया भी बाहर आ रहा है, NaCl एंड यूरिया। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड by the ascending limb of Henle's loop, ascending limb of Henle's loop into descending vasa recta, yahan se yahan ja raha hai, the descending vasa recta। नेक्स्ट पॉइंट है, NaCl इज रिटर्न्ड टू इंटरस्टीशियम, NaCl इज रिटर्न्ड टू इंटरस्टीशियम बाय असेंडिंग वासा रेक्टा, बाय असेंडिंग वासा रेक्टा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड, स्मॉल अमाउंट, यहां देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द इंटरस्टीशियम by collecting duct, by collecting tubule कह लीजिए, by collecting tubule। ठीक है, next point star डाल के लिखिए, these transport of substances, transport of substances into medullary interstitium
इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा. Due to special arrangement of loop of Henle and vasa recta, called and the arrangement is called as counter current arrangement या mechanism. Counter current arrangement. Next point, this management increases the high concentration of solutes. High concentration of solutes in the medullary interstitium. Due to which lot of water is transported from collecting tubule and descending loop of Henle descending limb of Henle, loop of Henle into interstitial fluid. Some of this water is taken away by blood. Thus, human kidneys form urine. which is four times concentrated than initial filtrate formed or blood. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार डाल के लिख लो. वैसे मैंने ब्लड का लिखवाया, एक और लिख लीजिए. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट इन पीसीटी इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. Osmotic concentration of ultrafiltrate in PCT is 300 milliosmol per liter. और फिर है, osmotic concentration of urine is 1200 milliosmol per liter.
तो 4 टाइम्स हो गया ना, 1200 को 300 से डिवाइड करो तो 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेट। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ऑस्मोरेगुलेशन बाय किडनीज। नेक्स्ट इज ऑस्मोरेगुलेशन बाय किडनीज। और यू कैन से regulation of kidney functions। बेटा kidneys क्या कर रही है, body के salt और water content को regulate कर रही है, और साथ में kidney के functions को कौन control कर रहा है, various organs control कर रहे हैं जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से पहले सुनना है फिर लिखना है। फंक्शंस ऑफ किडनीज आर कंट्रोल्ड बाय कौन सी प्रोसेस है, हार्मोनल, हार्मोन्स की हेल्प से, फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक। अभी आपको पता चलेगा कि फीडबैक का क्या मतलब है। फीडबैक मैकेनिज्म बाय हाइपोथैलेमस, हार्ट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस एटसेट्रा। कैसे, अब यहां पर देखिए, पहला पॉइंट ये है ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। ऑस्मोरेगुलेशन इज क्या है, मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वॉटर कॉन्टेंट। सॉल्ट की जगह आप आयन्स भी कह सकते हैं, आयन्स एंड वॉटर कॉन्टेंट इन बॉडी फ्लूइड्स। दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद एक आ जाते हैं बच्चे ऑस्मोरिसेप्टर्स। थोड़ा सा भी सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो वो कौन डिटेक्ट करता है, ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी, बॉडी में कई जगह ऑस्मोरिसेप्टर्स पड़े हैं। ठीक है, आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड में पानी ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया। ब्लड वॉल्यूम किससे रेगुलेट होती है, इट इज बाय वॉटर। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मतलब लिम्फ की वॉल्यूम, एंड आयनिक कंसंट्रेशन, एंड
आयनिक कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, एक्टिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, या गेन ज्यादा हो जाए या लूज ज्यादा हो जाए. अब क्या है, पहले हम बात करते हैं कि अगर नेक्स्ट पॉइंट हम यहां से शुरू करते हैं, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी. और हम कह सकते हैं लेस वॉटर इन बॉडी फ्लूइड्स. किसी भी कारण है, हमें स्वेटिंग ज्यादा हो गई है, हमने डायूरेटिक सब्सटेंसेस ज्यादा ले लिए हैं जिससे यूरिन बहुत आ गया, जिसमें वॉटर लॉस ज्यादा हो गया है, किसी भी कारण से जो है वो लॉस ऑफ फ्लूइड है, मतलब डिहाइड्रेशन है, लेस वॉटर इन द बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, इसने क्या किया, इट स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस. क्या हुआ, स्टिमुलेट्स थर्स्ट सेंटर इन इट, जिससे हम पानी बहुत पीते हैं, एंड सिक्रीट्स एंड स्टोर्स एंटीक डायूरेटिक हार्मोन ADH, और इसका दूसरा नाम क्या है, वासोप्रेसिन. ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ठीक है, ये सिक्रीट किया. थर्स्ट सेंटर जो है वो हमारा एक्टिवेट हो गया, जिससे हमने पानी बहुत सारा पी लिया, हमें प्यास लगी, जिससे हमने पानी पी लिया. अब क्या है, ADH acts on DCT, distal convoluted tubule. Makes it, ध्यान से, makes it permeable to water due to which lot of water is reabsorbed from DCT into blood due to which less water is excreted in urine. Concentrated urine. या हम कहेंगे प्रिवेंट डायूरेसिस. डायूरेसिस क्या चीज है, ध्यान से सुनो, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन. जब यूरिन में पानी बहुत होगा तो उसको हम कहेंगे, जब बहुत ज्यादा पानी भी होगा, हमें बार बार यूरिन आएगा,
दैट इज कॉल्ड एज डायायुरेसिस। बट यहाँ पे क्योंकि पानी तो बहुत सारा रीअब्सॉर्ब हो गया है इसलिए थोड़ा यूरिन बनेगा और कम यूरिन आएगा। सो दिस इज प्रिवेंशन ऑफ डायायुरेसिस एंड दस द हॉर्मोन इज ADH, एंटी डायायुरेटिक हॉर्मोन। दोबारा से मैं बता रही हूँ, जब बॉडी के फ्लूइड्स में पानी कम हो जाएगा तो हमारा हाइपोथैलेमस एक हॉर्मोन सिक्रीट करेगा ADH, ADH DCT पे जाकर वहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेट में से बहुत सारा पानी रीअब्सॉर्ब कर लेगा जिससे यूरिन का अमाउंट जो है वो थोड़ा रह जाए। सो दैट इज व्हाई डायायुरेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस यूरिन। इसने डायायुरेसिस नहीं होने दी इसलिए हम कहते हैं एंटी डायायुरेटिक हॉर्मोन। ठीक है जी, ये करो पहले। अच्छा एक और लिख लो, ADH, ADH also affects the, स्टार डाल के नीचे लिख लेना, ये तो आपने लिखना ही है, उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर लिख लो ADH also affects the kidney function by its constrictory effect on blood vessels. By its constrictory, blood vessels को constrict कर देता है, छोटा narrow कर देता है, constrictory effect on blood vessels. This causes an increase in blood pressure. यहाँ पे बेटा बॉडी में प्रेशर कम हो गया था क्योंकि पानी कम था, एक तरफ से तो उसने ब्लड वेसल्स को नैरो कर दिया, दूसरा पानी को रीअब्सॉर्ब कर लिया, तीसरा उसने हमारी थर्स्ट भी बढ़ा ली जिससे बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन हो गए और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। ठीक है जी, और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर thus maintains GFR also. Maintain glomerular filtration rate. Next point है, जैसे ही बेटा हमारे body fluids का amount normal हो जाता है तो osmoreceptors जो है स्विच ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम स्विचेस ऑफ द osmoreceptors, स्विचेस ऑफ द osmoreceptors एंड दस inhibits hypothalamus and thus inhibits hypothalamus and also inhibits secretion of ADH. Feedback, पहले volume कम था तो ये सब process हुई, जैसे ही volume maintain हुआ तो ये process inhibit हो गई, this is feedback. Is it okay? ठीक है समरीत, समझ में आई? Yes ma'am. Switches off osmoreceptors and thus inhibits hypothalamus and also inhibits secretion of ADH. This is called as feedback mechanism. Feedback means जैसे ही normal हुआ फिर जो पुरानी process थी उसको suppress कर दिया। ठीक, लिखो ये। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि सेकंड है रास। रास क्या है? दैट इज लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू less sodium
in blood. ब्लड प्रेशर कम है ना, ब्लड जो है वो डाइल्यूटेड ज्यादा है, सोडियम कम है उसमें, और सोडियम कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, राइट? इससे क्या होगा, लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, लेस सोडियम इन अल्ट्रा फिल्ट्रेट इन डीसीटी, एक्टिवेट्स मैक्यूला डेंसा, एक्टिवेट्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, सिक्रीट रेनिन, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन टू. दिस एंजियोटेंसिन टू इट स्टिमुलेट्स adrenal cortex gland adrenal cortex को जो है वो stimulate करता है, which secrete hormone aldosterone. जो एंजियोटेंसिन टू है इट ऑल्सो कॉन्स्ट्रिक्ट्स, मैंने पहले भी बताया हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्ट्स इफ्रंट आर्टेरियो, ठीक है जी, दस इंक्रीजिंग GFR. एक तरफ से तो GFR यहां से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसने एल्डोस्टिरोन जो है वो सिक्रीट कर दिया. एल्डोस्टिरोन एक्ट्स ऑन डीसीटी, मेक्स इट मोर परमिएबल to sodium ions, reabsorption of sodium from ultrafiltrate into blood along with equal amount of water. कभी भी सोडियम अकेला रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, साथ में ये क्या करेगा, वाटर भी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है. एंड दिस इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ठीक है. तो इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया. तो रास की फुल फॉर्म क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम, दिस इज, ठीक है. अगर ये, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता रहा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. अब इसको सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे,
ये कैसे होगा ये मैं बाद में बताती हूँ, ये आप पहले ये करो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक सिक्स्थ पॉइंट, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू रास। इसके क्या, इससे क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इन हार्ट। इसने क्या कहा, इसने क्या किया? स्टिमुलेट्स एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। उससे क्या हुआ? सिक्रीट्स एएनएफ। एएनएफ की फुल फॉर्म क्या है? एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। इसने क्या किया? इनहिबिट्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू सिक्रीट रेनिन एंड दस इनहिबिट्स रास। और दूसरी तरफ वासोडाइलेशन, वासो मतलब ब्लड वेसल्स, दैट इज वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इससे क्या हो गया? ब्लड प्रेशर इज मेंटेन। ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स हो तभी ये चलना है। दीज ऑल मैकेनिज्म्स आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दस मेंटेन्स ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, लिखो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मिक्चुरेशन की। ये दो मैंने बताए हैं इन एडिशन टू एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। These are other functions of the kidneys. Micturition is passing out of urine. अब क्या है, bladder में urine जो है वो इकट्ठा हो रहा है। ये अगर urethra है तो इसका बेटा यहाँ पे sphincter है जो इसको close करके रखता है। This is internal sphincter. और यूरेथ्रा में ये होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इसकी जो ये वॉल है ब्लैडर की, वॉल ऑफ ब्लैडर, इसमें क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जैसे ही यूरिन इसमें आधे से ज्यादा भर जाता है, तो थोड़ा सा ब्लैडर थोड़ा सा एक्सपैंड ऑब्वियसली होगा। ठीक है, जिसके कारण स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंड इंपल्सेस टू ब्रेन। ठीक है, एंड दे कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन
ऑफ ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर. ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से लेट अस से ये इधर आ गया स्फिंक्टर. जिसकी वजह से यूरिन जो है वो इधर इकट्ठा हो गया. अब ये प्रेशर डाल रहा है बाहर आने को. ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर. एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज वोलंटरी. Which opens according to our will, but कुछ टाइम तक हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको. जब बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा then this हमारी अपनी इच्छा से ही this causes this further relaxes and the urine it is passed out. This is micturition. Is it okay? ठीक है, तो ये पहले बना लो फिर हम लिखते हैं. So write down. Urine formed, या urine is stored in urinary bladder. Formed मत लिखिए, urine is stored in urinary bladder till a voluntary signal is given by CNS. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज स्लाइटली मोर देन हाफ फिल्ड. व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज स्लाइटली मोर देन हाफ फिल्ड कॉमा, या नीचे एरो डाल लो, Its stretch receptors on the walls of the bladder get activated. Stretch receptors on the wall of the, in the wall of the bladder gets activated. फिर arrow डालिए नीचे. Send signals to CNS. फिर नीचे एरो डालो. CNS passes motor messages to the smooth muscles of bladder. Next, फिर arrow डालिए. It causes contraction of bladder and simultaneous relaxation of internal urethral sphincter. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, नॉट एरो नहीं डाले, नेक्स्ट पॉइंट. एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज वोलंटरी. एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज वोलंटरी
ड्यू टू विच वी कैन टेम्परेरली कंट्रोल द पासिंग आउट ऑफ यूरिन. नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन. ये मैंने पहले भी आपको लिखवाया है. प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन. एंड द न्यूरल मैकेनिज्म controlling it is called as micturition reflex. Next point hai, amount of urine passed out equal to 1 to 1.5 liters 1 to 1.5 liters per day. नेक्स्ट आ जाता है बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. इसमें आ जाइए फर्स्ट पॉइंट है कलर ऑफ यूरिन लाइट येलो. कलर ऑफ यूरिन लाइट येलो ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम. UROCHROME. सेकेंड पॉइंट आ जाइए स्लाइटली एसिडिक पीएच सिक्स. नेक्स्ट है Characteristic odor due to degradation of urea into ammonia. Next hai, excretes 25 to 30 gram of urea per day. Next point आ जाइए urine normally does not consist of glucose or normally urine does not consist of glucose or blood proteins or blood corpuscles. Therefore, presence of these substances in the urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders. For example, ग्लाइकोस्यूरिया ये टर्म है, GLYCO
SURIA, ग्लाइकोस्यूरिया, आगे डैश करके लिखिए, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोस इन यूरिन. Presence of glucose in urine. फिर डैश करके लिखिए, indicates diabetes mellitus. Indicates diabetes mellitus. Second है ketonuria. 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 इसके डैश करके लिखिए, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज. प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इंडिकेट्स, फिर डैश करके लिखिए, इंडिकेट्स डायबिटीज मेलाइटिस. नेक्स्ट आ जाइए, प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स. ब्लड प्रोटीन्स इन यूरिया इन यूरिन. प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स इन यूरिन, आगे लिख लो, इसको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनूरिया. It indicates some damage in the kidneys. It indicates some damage in the kidneys. Next है pyuria. Presence of pus cells. Presence of pus cells in the urine. Which indicates urinary tract infections. Which indicates urinary tract infections, UTIs. Bracket mein likh lo, UTI. ठीक है, तो यूरिन का डायग्नोज करके बहुत कुछ पता चल जाता है. इज इट ओके? ठीक है जी. सो ठीक है समरीत, कर लिया बेटा ये? यस मैम. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. कैसे हमारी लिवर में यूरिया कैसे बनता है? Formation of urea in liver cells. It is ornithin citrulline cycle, also called as Krebs. यहां पे अमोनिया है, यहां पे CO2 आया, ऑर्निथिन से कंबाइन किया, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन. राइट, दोबारा से, कि अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड
कंबाइंस विद, आप यहां पर कर सकते हो, कंबाइंस विद ऑर्निथिन टू फॉर्म सिट्रुलिन. सिट्रुलिन में एक और अमोनिया लिया एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन. एंजाइम यहां पे है आर्जिनेज और यहां से वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इज रिमूव्ड या इज फॉर्म्ड NH2CONH2. So this is from blood. और ये जो है यूरिया एडेड इन ब्लड. तो ये याद रखना है बेटा कि ये साइकिल जो है इट रिमूव्स अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड एंड इट एड्स यूरिया इन द ब्लड. ठीक है, यूरिया साइकिल रिमूव्स अमोनिया एंड CO2 from blood and adds urea in blood. Therefore, hepatic vein coming out of liver has maximum urea. Urea is removed from blood in kidneys. Therefore, renal vein coming out of kidneys, क्योंकि जो renal artery थी उसमें यूरिया था, वो सारे का सारा यूरिया जो है वो किडनी ने रिमूव कर दिया. जो renal vein निकली उसमें यूरिया बहुत थोड़ा है या नहीं है, नहीं है नहीं, हम कह सकते बहुत थोड़ा है. कमिंग आउट ऑफ किडनीज हैज मिनिमम यूरिया. सो मैक्सिमम यूरिया इन हेपेटिक वेन, मिनिमम यूरिया इन रीनल वेन. राइट, करो ये.